दुख सिर्फ इसी बात का है, इसी बतूल का बेटा करबला की सरजमीन में 3 दिन का भूखा हो गया सा शहीद हो गया। इसमें 2 से 3 मिनट कोशिश करना रोते हैं। आसफ तशरीफ फरमा है सैयदा की कुल उम्र जो है ना वो 18 साल है, 9 साल बाबा के घर में, 9 साल शोहर अली के घर में। बाबा सारी जिंदगी यही कहता रहा, फातिमा मुझसे कुछ मांगो मैं तुम्हें दूं। जब शोर के घर आए अली कहते रहे फातिमा कुछ मांगो मैं अली तुम्हें दूं। वो सैयदा जिसने ना बाबा से कुछ मांगा है ना अपने शोहर से कुछ मांगा है। मैंने पढ़ा है कि खुद सैयदा रुमाल लेके आ जाती है मजलिस इमाम हुसैन में, रो के कहती है ओ मेरे बेटे के आजादार तुम्हारा आंसू बड़ा कीमती है, हुसैन के जख्मों का मरहम बन जाता है, हुसैन के जख्मों का मरहम बन जाता है। मौला सज्जाद फरमाते हैं 2 चीजों ने मुझे बड़ा रुलाया है, एक दरबार में फूफियों बहनों और माओ की चादरों में, दूसरा मेरी 4 साल की बहन सकीना के सवालों में। सैयद सज्जाद फरमाते हैं 2 किस्म के जिंदान थे जहां हमें रखा गया, एक वो जिंदान के जिसका रोशन दान भी नहीं था, नजर ही नहीं आता था, एक वो जिंदान के जिसकी छत भी नहीं थी। सुबह का वक्त था, मौला सज्जाद बैठे हुए थे, बीबी आई सकीना आके कहती है भैया सज्जाद जी परिंदे कहाँ जाते हैं सुबह सुबह। फरमाया है ये पानी और दाने के लिए जा रहे हैं। जब शाम हुई ना फिर बीबी आई बार बार सज्जाद अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, कहा सकीना अब ये अपने घरों को जा रहे हैं। जब घर का नाम सुना ना रो के बीबी सकीना कहती है सज्जाद मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे